सबसे अच्छा हमें नजर आता है जब बच्चे आर्ट सप्लाई साथ काम कर रहे होते हैं आप उनको भी ऑब्जर्व क्या क्या करें आपको सब समझ आ जाएगा एज अ पेरेंट के मेरा बच्चा महसूस कर रहा है आपके वॉलेट पे अगर कोई ऑरेंज कार्ड है तो यू फील लाइक स्पेंडिंग मोर मनी नो यू फील लाइक यू आर फाइनेंशियली स्टेबल बच्चों को लेके बड़े स्पेसिफिक कलर्स बताए जाते हैं कि उनकी में ये कलर्स कलर छोड़े तो क्या ये ट्रू है हर रंग की खास बात है अब जैसे मैंने येलो पहना हुआ है तो येलो जो है वो हैप्पीनेस को डिफाइन करता है ठीक है रेड इज कलर ऑफ मोटिवेशन ठीक है रेड आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर देता है व्हाई शुड गो It's like a good catharsis. इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की की ज़रूरत नहीं है. की सबसे है, सबसे अच्छी बात एक के लिए के रहे हैं। आपकी अपनी औलाद और जब वो बन जाता है तो आपको इससे होते हैं. आपको पता है आप बगैर कुछ कहे अपने दिल की बात कम्युनिकेट कर सकते हैं हाँ वाकई ये एक ऐसा स्किल है जिसको शायद हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं तो मज़े की बात यह है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना ये एक पीस ऑफ आर्ट है अल्लाह ताला ने इतने रंग बनाए हैं इतने टेक्सचर्स बनाए हैं इस दुनिया में क्या ये सिर्फ देखने के लिए या इसका हमारी मेंटल वेलबींग well से भी कोई ताल्लुक है अब या तो ये कोई आर्टिस्ट बता सकता है या कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है टुडे वी हैव समबडी हु इज़ बोट

यू you नो know, मैं एक जगह होती है जहाँ फील करते हैं और आर कनेक्टेड टू दैट प्लेस तो फिर एक लंबा प्रोसेस हुआ एंड फाइनली वे बड़ी एक फिल्मी स्टोरी के तौर पर हमारे पेपर्स एक साथ पढ़ गए एंड ऑल लेकिन आई चोज़ आर्ट तो शुरू में फैमिली थोड़ा जो है वो नाराज थी कि आप डॉक्टर नहीं बनकर आप आर्टिस्ट बनिए mm. बट आई केम टू यहाँ स्टार्ट होती है केम टू डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़ सो इट वॉज जैसे आपने इंट्रोडक्शन बोला ना कि अल्लाह ने चीज़ों को जैसे आपने इंट्रोडक्शन था बेकार नहीं बनाया भी भी। तो इससे पहले तक मैंने कभी शायद गौर नहीं कर सका था मैं इन चीज़ों पर क्योंकि uh, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह अलमसवरु al है है ना तो वो हम सिर्फ कहते हैं महसूस नहीं करते तो जब आप खुद जो क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हूँ मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पढ़ाया तो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करने होते थे तो उससे पहले हमारी फाउंडेशन बनती है तो आप एक एक चीज़ को महसूस कर, कर ड्रा कर रहे होते हैं दरख भी आपका पर्स्पेक्टिव बदल रहे हो दरख्तों को लेकर भी क्रिटिकल so थिंकिंग एक डेवलप हार हुई होती है तो मेरे टीचर ने मुझे पहले दफ़ा बताया कि आपको पता है दरक की सबसे ख़ास बात क्या है सब तुम तो लोग ऑक्सीजन देता है वो फूल देता है वो फल देता है उन्होंने कहा दरक की सबसे ख़ास बात यह है कि वो सोसाइटी के ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रहता है मैंने कहा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं चाहे चाहे बर्फ पड़े चाहे पानी पड़े वो वो ग्रेविटी हर चीज नीचे खींच रही है और वो हमेशा ऊपर है वो ऊपर ही जाए जा रहा है ऊपर ही जाए जा रहा है और ग्रेविटी तो हमें नीचे खींच रही है So that was the moment, you know, जब आपके होने लगता है दिमाग में यार था था अंदर कहीं पे आर्टिस्ट भी, था और भी, psychologist भी और बिल्कुल uh, so अच्छे टीचर्स थे तो उनकी बातें के अब क्लास हो रही है ड्रॉइंग की पर हम हकीकतों पे बात कर रहे हैं जिंदगी की you know? so that was an amazing journey. तो करते करते आहिस्ता आप समझे इंस्पिरेशन बढ़ती रही चीज़ों की ना तो जब आप खुद कुछ बनाते हैं ना तो आपको पता चलता जो बना रहा होता है वो तो कितने दिल से चीज़ों को बनाता है exactly. फिर मैं फिर सोच था जब जूरी हो रही होती थी हमारे प्रोडक्ट्स रखे होते थे और कल वही मेरा दोस्त जिससे मैं मजाक करता है जो इतनी अच्छी चीज़ बना के ले आया तो मैं फिर सोचता कि अल्लाह ताला ने हमें इतना क्रिएटिव बनाया है तो वो कितना क्रिएटिव होगा बनाने वाला कितना अजीम होगा जिसकी वजह से हम इतनी हमारे लिहाज से बहुत अच्छी चीजें बना लेते हैं मतलब आप देखें इंसान एक रोबोट बना लेता है उसमें वो ही चीजें डाल रहे हैं जो कोशिश करते हैं जो एक ह्यूमन टाइप एक चीज है hmm. तो हमें बनाने वाला कितना जीनियस है exactly. वो कितना बड़ा आर्टिस्ट वो है कि उसने हमें ऐसे बनाया सो बेसिकली आर्ट यू फाउंड आर्ट थेराप्यूटिक फॉर योरसेल्फ एंड एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज टू से आई गॉट कनेक्टेड टू गॉड मोर आफ्टर कमिंग टुवर्ड्स आर्ट माशाल्लाह पहले इट वाज जस्ट वो नमाज रोजा हज जकात तक का हमारा सफर था अब हम डीपली ना खुदा से कनेक्ट होने लगे अल्लाह से रबते बढ़ने लगे आर्ट के जरिए कैसे क्योंकि अब मैं कुछ बना रहा था और एक मेरा बनाने वाला है यू नो you know? अच्छा हम जो है वो बचपन से ऐसा होता है बहुत ज़्यादा स्पेशली जिन लोगों को आर्ट का बहुत शौक होता है बड़े कीन होते हैं उसमें तो वो कर रहे होते हैं मतलब अपना टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं आवर्स लगा रहे हैं एक चीज़ बनाने में क्रिएट करने में मैं खुद इस चीज़ से रिलेट करूंगी बहुत ज़्यादा कि मुझे बड़ा शौक़ था बचपन में कि मेरी ड्रॉइंग्स बड़ी अच्छी हुआ करती थी और मैं बहुत तफसील के साथ बैठ के जो है बना रही होती थी लेकिन कभी ये चीज़ माइंड में नहीं आई कि ये थेरोपेटिक भी तो है हमारे लिए मतलब इतने आर्ट्स जो मैं स्पेंड कर रही हूँ एक आइसोलेशन में रहते हुए और पूरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने आर्ट्स पर डालते हुए तो ये भी तो एक जो है वो हमारे लिए एक थेरेपी का काम कर रहा है एक तरह से डी स्ट्रेस कर रहा दिकुल है एंड समाइम ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द जो कलर्स हैं आपकी वॉल का कलर क्या है आपके इर्द गिर्द किस तरह के कॉन्ट्रास्ट है

उसके क्या इमोशन है पेंसिल खे? के पकड़ने से पता चल जाएगा कि वो आज किस मूड में आया कि वो स्क्रिबल कर रहा है पेंसिल को या बड़े स्मूथली कर रहा है आप लोगों ने नोटिस किया होगा इससे ना मतलब आ, जो आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के जो बेनिफिट्स हैं जैसे आपने कहा ना कि वो पेंसिल पकड़ है हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपके मोटर स्किल्स और ियल नीड्स exactly. अगर हम न्यूरो की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसलिए करवाते हैं आजकल नॉर्मल स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कटिंग एक्टिविटी कराई hmm. जा रही होती है प्री नर्सरी नर्सरी में ताकि मोटर स्किल्स और सेंसोरियल सेंसोरियल नीड्स ऑटिज्म में नीड है वो अर्ज है एक बच्चे को ना तो जनरली हम देखेंगे एक बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है वो बैठ नहीं रहा वो चीज़ों को फेंक रहा है या वो हाइपर एक्टिविटी में कर रहा है तो विल जस्ट जज दैट पर्सन इफ यू आर अ ले पर्सन ले मैन के भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है इशू है पर बीइंग बीइंग अ अ थेरेपिस्ट कह या अवेयर पेरेंट आप कहेंगे नहीं इसको शायद एक 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 इसकी एक urge है, इसकी अर्ज है है नीड यू नो आप कभी कभी क्या होता है हम बॉल पे जैसे यू हैव सीन दैट जिम बॉल उस पर बिठा के बच्चे को आप ऐसे रोल कर रहे हैं तो वो जो उसकी अर्ज ऑफ मूवमेंट थी आपने देखा होगा वो अक्सर अपने हाथों को फ्लैप फ्लैप करने लग जाते हैं oh. इसमें से फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स हो रहा होता है तो अब ये फ्लैप ही वो कर रहा था ना अगर आपने एक फैन बना लिया पेपर फैन एंड यू आर टेलिंग हिम अ स्केल के यू नो और वो हम उसे बेसिक स्किल चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी द एनर्जी तो वो आर्ट के थ्रू बहुत इजीली चैनलाइज हो जाती है अच्छा कलर्स का भी होता है की कलर थेरेपी भी होती है साथ ना स्पेशली अगर हम बच्चों को लेके तो बड़े स्पेसिफिक कलर्स बताए जाते हैं कि उनकी सराउंडिंग्स में exactly. ये कलर्स थोड़े तो क्या ये ट्रू है उनके कपड़ों को लेके उनके उनके रूम वॉल्स को लेके उनके रूफ को लेके बिल्कुल साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं कलर साइकोलॉजी है हुँ. पूरी एक एक पूरा आप समझ लें इसका एक एक पूरी पढ़ाई है कलर साइकोलॉजी की जिसमें एवरी कलर हैज पॉजिटिव एंड अगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू हर रंग की एक खास बात है अब जैसे मैंने येलो पहना हुआ है तो येलो जो है वो हैपीनेस को डिफाइन hmm. करता है ठीक है पर एक्सेस ऑफ येलो भी कभी कभी जो है वो आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है ऑल दो आई येलो सो मच कि मैं इस पर यकीन नहीं करता इस बात पर <laughs> <laughs> मैं यकीन नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा है अब जैसे रेड कलर है रेड इज अ कलर ऑफ पैशन रेड इज कलर ऑफ मोटिवेशन ठीक है रेड आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर देता है अब आप देखिए जितने जिम आप जाते हैं जिस भी जिम में आप जाए कुछ ना कुछ वहाँ रेड जरूर होता है। oh, लेकिन साथ में जो है, वो एग्रेशन को भी तो बहुत exactly, तो वो जब जिम हा? में जो है वो या तो से वो पिलर्स पे आपको नजर आएगा mm. या मशीनरी पे नजर आएगा पूरी ऑरेंज कार्ड है तो यू फील लाइक स्पेंडिंग मोर मनी नो यू फील लाइक आर फाइनेंशियली स्टेबल अपलिफ्टिंग ऑरेंज एक बड़ा अच्छा रंग इस तरह से है कि ऑरेंज एन अपलिफ्टिंग कलर आपका जैसे भी जिंदगी के हालात चल रहे हैं ऑरेंज को देखने से ना ये फील है कि की स्टेबल आप खुश खुश रहेंगे मतलब अपने ही उसमें योर हैपी यो स्टेबल okay. दूसरी बात यह कि ऑरेंज आपका एपेटाइट बढ़ाता है <laughs> तो अगर जैसे आपका ऐसा लग रहा है को किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है कोई मेरे पास आता है कैसे तो आपने देखा होगा बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे उनकी प्लेट्स तक ऑरेंज है क्रॉकरी ऑरेंज ऑरेंज है उनके वॉल्स उनका ब्रांड का लोगो ऑरेंज है क्योंकि वो उनकी मार्केटिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं तो कलर्स तो हर किसी को हेल्प कर रहे होते हैं अब इसी तरह से ब्लैक हमारी सोसाइटी में ब्लैक को हम सिर्फ ग्रीफ का कलर समझते हैं ना कि कोई गम का है जैसे योम सो गया तो हम ब्लैक कर रहे हैं वो एक पार्ट है ब्लैक का पर ब्लैक कलर है अचीवमेंट का

एक आ, हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं हमने न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों की भी बात की हमने नॉर्मल के आर्ट्स किस तरह से बेनिफिशियल है मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्ट थेरेपी एक बहुत आ, बहुत बड़ी रेंज है इश्यूज uh, की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स को जिसको आर्ट थेरेपी एड्रेस भी कर रही है और हेल्प भी कर रही है आई वुड रियली लाइक कि अगर कैन यू लाइक एक्सप्लेन दिस रेंज कि कहाँ से कहाँ तक आर्ट थेरेपी अप्लाई हो रही है हेल्प कर रही है एंड वॉट आर योर एक्सपीरियंसिस श्योर तो आर्ट थेरेपी के कोई एज ब्रैकेट नहीं है okay. आप आ, कोई हमारे माशे में कोई बुजुर्ग कोई किसी के नाना किसी के दादा किसी के चाची फुप्पो हम इस तरह से इसलिए बात करें क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते तो आई थिंक रिश्तों से मैं एज ब्रैकेट से अच्छा हम रिश्तों पे बात करें और एक बिल्कुल ढाई साल का बच्चा भी है मुझे याद है कि वंस आई वॉज इन एन इंस्टीट्यूट तो मैंने जो सबसे छोटे बच्चे को है, वो ढाई साल का वो मेरी गोद में बैठ उस बच्चे ने जो है वो काम किया बिकॉज वो ढाई साल का था तो हम इसे अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं न्यूरो उसमें डाइवर्जन अगर आप उस पर बात करें तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन पे जाते हैं ना बहुत जल्दी वो बच्चा रिकवर कर जाता है और जितना देर से हम उसको थेरेपी की तरफ ले जाते हैं उतना ही टाइम उसको लगता है क्योंकि बच्चा है वो उस वक्त एक स्पंज की तरह है एक ढाई साल का बच्चा ना एक स्पंज की तरह है वो सब अब्सॉर्ब कर लेगा अब वही बजा जब 25 साल का हो जाएगा अब वो एक एक ए, वो एक जीता जाता एक इंसान है ना उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है अब उसके अंदर हमें तोड़ करनी करना वो मुश्किल, और हो मुश्किल हो काम है मूल, उसकी मोल्डिंग मुश्किल है एक ढाई साल का तीन साल का पांच साल का बच्चा भी इजी वो है और वो एक पंच की तरह है वो चीजों को स्किल्स को समझेगा उसकी नीड भी उसी वक्त है अब जो हम यूज की बात कर रहे हैं तो वो देखें हम अगर कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेशल कोई एक डिसऑर्डर है खुदा ना खास्ता आपका बच्चा, कोई ऑटिज्म है डाउन सिंड्रोम है या इस तरह के कोई भी है इवन कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है आपके आ, आ, किसी के बच्चे को उसमें भी वो हेल्प करता है क्योंकि एक्सप्रेस कर पा रहा है ना बच्चा mm. एक बच्चा चल नहीं सकता mm. एक बच्चा देख नहीं सकता लेकिन वो रंगों से तो खेल सकता है बिल्कुल. वो रंगों की ज़माने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है तो कभी कभी क्या होता है जैसे हम कहते हैं कथारसिस कि आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप किसी को कोई एक बात कह देते हैं ना दिल हल्का हो जाता है अब इसमें एक तो ये हो रहा है कि भाई एज ब्रैकेट कोई नहीं है दूसरी बात ये है कि किसी को एंगजाइटी है किसी को डिप्रेशन है किसी को सिर्फ जैसे हम कहेंगे बेचैनी महसूस हो रही है उसको कोई सिवियर इशू नहीं है छोटी एंगजाइटी है लेट सपोज या लोनलीनेस महसूस हो रहा है या कुछ भी ऐसी उसके लिए भी हम आर्ट थेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं आर्ट थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है थेरेपीज में इट हैज नो साइड इफेक्ट इट साइड इफेक्ट तो वो जो हमने शुरू में बात की तो वेन आई जो है सेलेक्टिंग के मुझे करना है तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि देखो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कभी भी आपको दुनिया भर में कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा कि आर्ट थेरेपी ने केस बिगाड़ दिया यू नो या आर्ट थेरेपी की वैसे एक इंसान वर्स कंडीशन में पहुँच गया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूसरी बात ये है कि जो है हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं अब देखिए एक तो है हमारी विजुअल आर्ट्स जो जो आज हम करेंगे आपने पहले जो सेशंस हैं वो विजुअल आर्ट थेरेपी है एक होती है मूवमेंट थेरेपी ये सब आर्ट थेरेपी की फॉर्म्स हैं मूवमेंट थेरेपी में क्या होता है थ्रू आर बॉडी वी आर एक्सप्रेसिंग इट्स नॉट पर्टिकुलरली आर डांस बट हम अगर आम में कहें इट्स लाइक मूविंग योर बॉडी

आप आप मैंने एक एक बड़ी लाइट से म्यूज़िक यहाँ लगाई और आपको मैंने कैनवस दिया और आप उस म्यूज़िक को महसूस कोई कलाम भी हो सकता है आप उसे महसूस करें और आप उसे पेंट करें जा रहे हैं तीसरी चीज़ जो है हमारी ड्रामा अच्छा ये आपको बड़ा मजे का लगेगा जैसे हम थिएटर इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट थेरेपी okay. अब वो मैं अगर बच्चों के लिहाज से बताऊँ तो हम इसे कहते हैं

तो इससे क्या करते हैं पेरेंट्स और हम थेरेपिस्ट अब एक ढाई साल का बच्चा मेरे पास आया है मुझे उसका एनालिसिस करना है तो वो मैं उसे क्या सवाल पूछूंगी बेटा आप क्या महसूस कर रहे हो <laughs> कैसे यू नो छाट वो है वो बैठे करेंगे <laughs> एक जगह वो तो मेरे क्लिनिक में इधर उधर घूम रहा है भाग रहा है तो गेम के जरिए टॉयज yeah. के जरिए हम बैठ जाते हैं अब एक प्ले वहां पे एक, एक सेक्शन होता है प्ले थेरेपी में डॉल हाउस है तो एक डॉल है तो अगर ये आपकी फ्रेंड है तो आप इससे क्या कहना चाहते हो आप किस कैसे लोगों से दोस्ती करोगे आप गेम खेलते हुए देख रहे होते हो अगर ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है हर चीज तोड़ रहा है बच्चा डॉल को या खींच

क्योंकि उनको उनको लगता है सर अली मुझे जज थोड़ी कर रहे हैं कोई मुझे लिख रहे हैं तो कहना गेम खेल रहे हैं हम तो थिएटर कर रहे हैं एक्टिंग कर अच्छा रहे हैं अली एक बात और ये थी कि अगर जो है वो कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ कोई डिप्रेशन का मसला है या उसका घरेलू माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खराब है चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या उसके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जैसे हरासमेंट होता है इस तरह की चीज़ें वो बच्चे एक्सप्रेस उनकी पहले तो समझ ही नहीं आता और जस्ट उनके समझ आ जाता जा जा है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हम किस तरह से इसको जो है वो अपने बड़ों को या किसी की नॉलेज में लेकर आए तो क्या इस सिचुएशन में भी जो है वो आर्ट थेरेपी कोई हेल्प कर सकती है कि वो उसको हमेशा के लिए लेट इट गो वाली जो चीज़ होती है वो देखें वो इसलिए आपके अंदर है क्योंकि आपने कभी उससे एक्सप्रेस नहीं किया आपने उसे बाहर नहीं निकाला एंड आर्ट थेरेपी बिकम्स द की ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ना आप पहली बात है एक्सेप्ट करना बहुत से लोग है हमारे हैं हमारे यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करते उनके साथ ऐसा हुआ था यू you नो know, तो हम थेरेपीज में उनको दो तीन सेशन में तो उनको ये रियलाइज कराया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था एक्सेप्ट करें ऐसा हुआ था आधा मसाला तब हल हो जाता है वो एक्सेप्ट कर ले एक्सेप्टेंस आ जाती है ना किसी भी हवाले से चीजें आसान हो जाती हैं एक्सेप्टेंस के बाद अब वो चाहे पेन के जरिए उस चीज को ड्रा कर दे नो you know, मैं, मैंने ऐसी पेंटिंग देखी है जहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह लें ब्लड क्लॉट्स टाइप के जैसे वो उन्होंने बना दिए जस्ट टू शो दैट इमोशन अब आपके लिए शायद चाइल्ड ट्रामा एक सर्कल होगा इनके लिए स्क्वायर होगा मेरे लिए ट्राइंगल होगा कोई, कोई कि तो ऐसे नहीं है और मैं आपको एक और मजे कलर ये नहीं है, ये तो है. कुछ <laughs> लोग मेरा हैलर ब्लैक हैलर क्योंकि हम सब मुख्त लोग है इंडिविजुअली <laughs> हम सब यू uh, नो you know, अलग लोग है अलग शख्सियत है तो हमारा ओरियंटेशन uh, भी अलग है उस चीज की किसी के लिए खुशी जो है वो काले रंग से है किसी के लिए सफेद रंग से है बिल्कुल, बिल्कुल. तो मैं ये शुरू में आपको बताना भूल गया था कि आर्ट थेरेपी का सबसे पहला रूल ये है कि इट्स अ नॉन डायरेक्टिव आर्ट क्लास गोइंग ऑन ओके आर्ट क्लास में क्या होता है जैसे आप जाते हैं तो टीचर बताते हैं कि भाई जैसे हम कहते हैं ना विद इन द लाइंस काम करना hmm. कि बेटा दिस इज हाउ यू विल स्केच दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ आर्ट थेरेपी में आई विल नेवर टेल अ चाइल्ड कि ये करो और ये मत करो यू अब उसको फ्री छोड़ देते फ्री छोड़ छोड़ देते हैं तो तभी तो उसके इमोशन निकल के आएंगे अगर मैं ही आपको बता दूंगा कि पीला रंग कर लो तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ राइट आपके इमोशन तो नहीं समझ आ रहे सो so, चाइल्ड ट्रामा पे ऐसे केटर होता है कि वो ड्रॉ कर रहे होते हैं या वो लिख देते हैं हम अच्छा राइटिंग इज तो कुछ लोगों को मैं कहता हूँ स्टार्ट राइटिंग अ डायरी राइट अ लेटर टू योर सेल्फ अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हमने रिकॉर्डिंग का एक बना लिया है कि टीन को हम कहते हैं अपने फोन में आप रिकॉर्ड करें और फिर उस आवाज को सुनें यू you नो know, hmm. कि जो कुछ आपके साथ हुआ या आपको जो महसूस होता है आप आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहते मम्मी अम्मी से नहीं करना चाहते अबू से नहीं करना चाहते रिकॉर्ड कर लो और वो फोन तो किसी के पास नहीं जाएगा तो उसे रिकॉर्ड करते हैं उस पूरी बात को और वो सुनते हैं एन अ टाइम्स एंड वो अपना टाइम देते हैंड हम हो गए क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गया वो बात असल में वो बस आपके दिल पे एक भारीपन था क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग इट द डे यू स्टार्ट फेसिंग इट ना चीजें आसान होने लगती हैं वो लेयर्स खत्म होने लगती हैं के किसी बच्चे को एंड स्पेशली आई थिंक बॉयज को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता अब आई डोंट नो कि अब क्या है सिचुएशन हाउ डू यू डील जिनको शौक नहीं है जिनको शौक नहीं है तो हम पहले टॉक थेरेपी से शुरू करते okay. हैं ठीक है कि ओके हम हम ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे इवन uh, जिस हॉस्पिटल uh, में मैं होता हूँ वहां पे भी क्योंकि एडल्टली जो लोग होते हैं ना बेटा क्या तुम हमसे ड्रॉ करवाओगे <laughs> हमें नहीं आती है वो इस तरह के ना <laughs> कि अरे हम नहीं करते ड्रॉ <laughs> तो कुछ ऐसे बुजुर्ग आते हैं तो मैं कहता तो हूँ अच्छा आप मुझसे बस बात कर ले आप ड्रॉ नहीं करें फिर आहिस्ता बात करते रहे जब हमारा एक आइस ब्रेक होती है ना फिर वो एंड में सबसे अच्छा काम करके दिखाते हैं दिस इज दिस इज द थेरेपी दिस इज हाउ यू कन्वेंस पर्सन लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाह रहा है तो इट्स ओके फिर मैं कहता हूँ ठीक है आपको कलर नहीं इस्तेमाल करें आप कलर मत करें थेरेपी चाहे कोई सी भी हो किसी भी फॉर्म की हो थेरेपी ऑलवेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यू एक्सपेक्ट के विल कम टू मी फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स एंड यू विल गो बैक एंड जिंदगी आसान mm -hmm.

पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स हैं या इवन अगर बच्चे को डिप्रेशन है या इवन एक पेरेंट को ख़ुद डिप्रेशन है वाई शुड दे गो फॉर आर्ट थेरेपी कंसिडरिंग के देर आर सो मैनी अदर टाइप्स ऑफ थेरेपीज वो जो एक एक पॉइंट है एक एक्स फैक्टर वॉट इज़ दैट द फैक्टर इज़ कि इसके लिए आपका जहनी तौर पर बिल्कुल क्या कहना चाहिए बीमार होना या बहुत कोई ज़िंदगी में मुश मतलब एंड हो गया डिप्रेशन के आप आखिरी सिवियर डिप्रेशन है तब आप थेरेपी के लिए आ रहे हैं इट्स लाइक अ गुड कथा अर्सेज इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वन इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है mm. इसके लिए आपको ये नहीं देखना कि क्या मेरी हाइट मेरी एज मेरा वेट ये सब चीज़ें मैटर कर कर रहा है कि इससे इट्स लाइक इट्स ईजी इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट वे नंबर टू इट्स द मोस्ट instant way of expressing क्योंकि देखिए आप किसी भी अलग थेरेपी में जाते थे, हैं आपको दो से तीन सेटिंग्स लगेंगी ना ओपन अप होने में यहाँ आप आए आपको कैनवस मिला और आप ओपन अप हो गए तो विद इन सेकंड्स इसकी जो प्लस पॉइंट है बाकी थेरेपी से कि विद इन सेकंड्स यू कैन इजीली डू द कैथारसिस ये इजी वे आउट है अच्छा इसमें क्या मेकअप स्किल्स भी आती हैं लाइक like, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ ही होता है कि कभी कभी रात के दो बजे अचानक से मुझे एक कुछ होता है कि मैं उठूं और उठ के तो मैं एक नॉर्मल मेकअप होता है जो हम कर रहे हैं वो नहीं फिर मैं क्रिएटिव मेकअप एकदम क्रिएटिव जो बिल्कुल डिफरेंट कभी उसमें नेचर रिप्रेजेंट uh, हो रही होगी कभी उसमें कोई और चीज़ तो फिर वो चीज़ जब आगे फिर जाती है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर तो लोग बड़े बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक बिल्कुल ही नई चीज़ है तो क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है क्या मिल रहे होते हैं, हैं ना देखें जो भी एक्सप्रेसिव आर्ट है वो आर्ट थेरेपी में ही आ रहा है हम उसको मेकअप या हम इसमें कोई आ, रोक टोक नहीं है हमारे यहाँ इफ यू थिंक आप मेकअप के जरिए अपना को एक्सप्रेस हैं आप कर सकते हैं कुछ लोग पोइट्री के जरिए करते हैं है ना कुछ लोग सिंगिंग के जरिए hmm. करते हैं कुछ बहुत दुखी हो रहे होते हैं तो सैड सॉन्ग गाने लग जाते हैं खुश hmm. हो रहे होते हैं तो हैप्पी तो सॉन्ग yes. really? yes, 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 <laughs> तो है आपके सामने फिलर्स hmm. uh, so, कहते हैं आप इसे बेंडेबल वायर्स भी तस्वर कर सकते है, जो हैं जो कि हैं बेंडेबल वायर्स एंड ठीक है फैंसी फैंसी बीट्स हैं ये ऑप्शंस है आपके सामने इसके अलावा ये सब ऑप्शन हैं ठीक है तो आपने क्या करना है सबसे पहले तो यू कैन चूज वन कलर एनी कलर यू वॉन्ट ठीक है आप चूज कर लीजिए तो हम क्या करेंगे एक मैं भी रख रहा हूँ अपने पास ये देखिए आई जस्ट इट टू यू तो आपको याद होगा सबसे पहले जो आपने एक करेक्टर बनाया होगा बचपन में वो होगा स्टिक मैन हम स्टिक <laughs> मैन से ड्राइंग शुरू करते हैं तो आज फिर हम स्टिक मैन की तरफ जाते हैं तो आप एक छोटा सा अपने हिसाब से एक स्टिक पैन बना लें लेकिन उसकी ना सिर्फ अभी अपर बॉडी बनानी है स्टिक मैन की मतलब आप समझें ऐसे करें लेट्स मेक इट सिंपलर फॉर यू आप ये बनाइए बस जिसमें एक दिस एक लूप के साथ एक इस तरह से और यहाँ से इसको बस टाइट कर लें कि उसका फेस जो है वो फिक्स हो चुका हो इस तरह से ठीक से ये हमारा बन गया अब आपके सामने ऑप्शंस हैं वट एवर यू फील आप चाहें तो कुछ पैटर्न्स इसके अंदर बीट्स ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो अलग अलग जैसा आपको आ रहा है आप इसमें बीट्स यूज़ करें एंड दि इज़ नो कंपल्सेशन कि आप सारे यूज़ करें इट्स आप टू आप कोई सभी बीट्स ये जो आपके सामने ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ लेट सपोज मुझे फ्लोरल ये पसंद है तो मैं ये ले लूँगा एंड कलर वगैरह आपकी चॉइस है इट्स टोटली योर कॉल आपको जो यूज़ करना है तो लेट सपोज़ मैंने अब ब्लू ये लिया इसको फिल करना है बीच से बेसिकली पाँच छः भी अगर लगा देंगे तो बहुत है ऐसे। ना जी अच्छा अब उसके बाद हम और पीसेज लेंगे जैसे इट्स अप टू यू अगेन आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप इसमें और भी कलर्स हैं ये बेंडेबल वायर है ये इजीली मोल्ड हो जाएगा हाफ में डिवाइड कर लेंगे और ये बहुत इजीली देखें ऐसे स्टिक हो जाएगा इसके साथ ये हैंड ना क्या और अब नीचे हम एक लेग लगा देंगे लेग्स इस तरह से हमारे लग जाएंगे इस तरह से एक क्रिएश कोई क्रिएचर बन जाएगी <laughs> <laughs> जिसे हम प्यार से स्टिकमैन कह रहे हैं अच्छा अब देखें कितनी अच्छी बात यह है कि हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं और तीनों ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज से स्टिकमैन oh, बनाया yes. है ना तीनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं एक ही कमरे में बैठे हैं पर कितना मुख्तलिफ आ, हमारा तरीक़ेकार है कलर्स कितने मुख्तलिफ हैं आपने उसको ट्विस्ट किया आपने उसको ट्विस्ट नहीं किया आपने उसके साइड में ये डाला मैंने उसको अलग तरीके से किया सो दैट शोज़ कि हम मुख्तलि हैं हमारी नीड्स भी मुख्तफ हैं हम एक पैटर्न इंसानियत नहीं डाल सकते कि मेरा पहला बेटा डॉक्टर था तो दूसरा भी डॉक्टर होगा तीसरा भी डॉक्टर होगा ऐसे नहीं हो सकता वी आर लर्निंग थ्रू दिस अब अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें अपनी एक्टिविटी में तो हमने क्या किया हमने एक स्टिकमैन बनाया उसमें अपनी चॉइस के बीट्स डाल दी अब एक मजे की एक्टिविटी है कि आपने कोई क्रेजी फाइव पोसेस इससे बनवाना पहला पोज मैं शुरू करता हूँ लेट्स सपोज मेरा स्टिकमैन कह रहा है ये ही शो शोइंग पावर हिज फ्लेक्सिंग हिमसेल्फ ये हमारा पहला पोज आ गया आप इसके लेग्स कर सकते हैं व्हाटएवर वेरी नाइस आई थिंक ही इज डांसिंग नाइस देखें ये कितना अच्छा <laughs> पोज आ गया <laughs>

और आपने अपनी औलाद को इतना मोल्ड कर दिया अपने लिहाज से क्योंकि आपको पसंद था क्रॉलिंग आपको पसंद था भागना दौड़ना आपको पसंद था कि वो बहुत फ्लैक्स करके दिखाए है को आपने अपनी औलाद को इतना फ्लैक्स कर दिया एंड ये जो चीज़ें आपने डाली हैं ये करेक्टर ट्रेड्स हैं ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो आपने चूज किए अपनी सगी औलाद के लिए दिस इज़ वॉट हैपन्स इन रियालिटी और जब वो बन जाता है तो आपको इससे शिकवे होते हैं सो दिस एक्टिविटी शोज़ कि जो कुछ आपकी औलाद आपके सामने कर रही है वो आपका पिरोया हुआ है यू you नो know, उसने खुद से कुछ नहीं किया सो दिस इज गोइंग टू बी योर कीचेन नाउ आप जहाँ भी होगी जब भी आपको हमें इतना गुस्सा होता है कैसे ऐसी हरकत कर सकता है उसने ऐसे कैसे कर दिया तो हम कैसे भूल गए की हरकत आपने पर अब हम फ्रॉड की अब इसको ये आर्थ थेरेपी हो गई अब मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी क्या कहती है फ्रॉइड कहता है आपके मिडिल एज तक यानी पाँच से सात सात साल तक का जब बच्चा होता है उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है और हमें ऐसा लग रहा होता है ये तो बच्चा है ये ये क्या समझेगा हम बहुत सी ऐसी बातें जो हम घर में कर रहे होते हैं और हम कहते हैं बच्चा बैठे तो क्या हुआ इसको थोड़ी समझ आएगा इसको थोड़ी पता है हुँ। हुँ। उसको सब पता होता है इस एज में पाँच साल की तक की उम्र में वो अपने इवन बहुत सी ऐसी, ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि वो अडल्टुड में जाके सीखेगा या समझेगा वो उस वक्त उस एज में कर चुका होता है डिसाइड मेंटली तौर पर सब कॉन्शियस माइंड में कि उस वो बड़ा के क्या गुस्से वाला शख्स बनने वाला है गुस्से वाला शोहर अगर बेटा है बनने वाला है, नहीं बनना वो सब उस पाँच साल की उम्र में डिसाइडेड है यू you नो know? और यही वो पाँच साल है जिसमें हम बीइंग अ पेरेंट हम उसके फाइनेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं hmm. हमारे क्या ख़्वाब होते हैं मेरा बच्चा बड़े से कॉलेज में चला जाएगा तो अबू और अम्मी जो है वो लेट सपोज वो फाइनेंस को डील कर रहे हैं और बच्चा किसी मेट के पास है hmm. जिसमें कोई बुराई नहीं है या किसी हेल्प के पास है तो उस वक्त उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई अब अगले पच्चीस साल बाद वो आपको दिखाएगा अगले पच्चीस साल बाद hmm. पर डेवलप तो अभी हो गई है सो व्हाट वी हैव टू डू एज अ पेरेंट इन पाँच साल को बड़ा क्रूशल रखना है ये जो बीट्स हम हर रोज डाल रहे हैं इसको देख देख के डालना है hmm. कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो खातन के रिस्पेक्ट करे तो आई हैव टू पुट दैट इन यू नो मैं चाहता हूँ अगर वो बहुत दीनदार बने तो आई हैव टू पुट दैट इन हैम सिर्फ बोलने से और अच्छी स्कूल कॉलेज में भेजने से नहीं मसला हल होगा

कौन सी ऐसी really कभी कभी क्या होता है बच्चे चीज़ जिद करते हैं हम सबकी फैमिलीज में होता है बच्चा, जो के <laughs> पड़ जाता we था। <laughs> हम सभी वो बच्चे थे आज हम इतने उस पर बात दैट so, we बच्चा सो so, अब आपको क्या करना है आपको पता है भाई मुझे नहीं दिलाना किसी भी रीजन से आप उसकी उसकी अटेंशन डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं अब हम वहाँ उसको सड़क पर बैठ के आर्ट थेरेपी तो नहीं कराएंगे लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस लमहे के लिए उस मोमेंट के लिए आपके बैग में कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसका फेवरेट टॉय है तो यू कैन गिव दैट टॉय अक्सर आपको पता है बाहर के लोग क्या करते हैं वो अपना जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो हर किसी के पर्स में छोटी छोटी डायरीज़ और छोटी छोटी कलरिंग बुक्स होती हैं क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं आप बड़े कन्फ्यूज़ और स्ट्रेस आउट होते हैं ना वो कलरिंग कर रहे होते हैं वो क्यों मैं बैठे हुए कलरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि कलरिंग इज द बेस्ट वे टू रिलीज स्ट्रेस एंड एनजाइटी तो आजकल इतनी कॉमनली कलरिंग बुक्स मिल जाती हैं और आप इजीली कैलरी भी कर सकते हैं तो आपके बच्चे का जो फेवरेट कार्टून करेक्टर है, आपने उसकी कलरिंग बुक ले ली अच्छा एक होता है रिवॉर्ड सिस्टम बच्चे का आप मेरी ये बात मानेंगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा अगर आपने मेरी बात मानी मैं घर जाके आपका फेवरेट आपको ये चीज़ दे दूंगा सो दिस इज़ हाउ यू कैन कोप अप बजाय इसके कि उस वक्त आप खड़े होकर उसको बुरा फील करा रहे हैं यू आर स्कोल्डिंग दैट पर्सन लाइक हेल अच्छा ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें नहीं पता कि सबसे ज़्यादा बड़ी ईगो और सबसे ज़्यादा बड़ी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बच्चों की है आपको पता hmm. है द द इन माय साइकोलॉजी क्लास जब मैंने पढ़ा हैं <laughs> अच्छा <laughs> हमें तो लगता है कि ये तो बच्चा है इसको क्या जब हमारी फैमिलीज में द देसी कल्चर वी हैव के बच्चे को कुछ भी कह दो यू hmm. नो you know? uh, अच्छा एक अजीब सी बात है कि इवन द द वे दे ड्रेस अप दे फील अ लॉट अबाउट दैट कि अगर एक बच्चा है उसने अभी वो वो शॉर्ट्स में था और वो वो अपने सूट में वो अपने स्लीपिंग उसमें था टायर में था और आपके घर में कोई आ गया आप उसको ऐसे ही ले आते हैं आपको लगता है ये तो बच्चा है वो बहुत फील करेगा वो बात उसके लिए एक बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल बात है कि मैं वो वो उसके अंदर की ना एक एनजाइटी है अब वो कैसे निकालेगा वो, वो बाल नोच रहा है आपने कहा अमियों के वो बच्चे बाल नोच रहे होते हैं क्लिप्स hmm. खींच रहे होते हैं हमें नहीं नहीं बस अभी सो के उठा है इसलिए ऐसा कर रहे है

कर सकते हैं घर पे क्योंकि जब भी मैं गूगल करती हूँ ना कि मैं अपने टॉडलर को किस तरह से बिजी करूँ तो सबसे ज्यादा आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज आ रही होती हैं पेंट करवाएं मैसी प्ले सो आई वुड रियली वांट क्विकली अगर इफ लाइक टू टू थ्री थिंग्स दैट हर कोई यानी कल से शुरू कर दे बिल्कुल सो अ वॉल ऑफ इमोशंस इसके लिए आपको कोई नया वॉल की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है घर का कोई भी कोना जिसको आपने तस्वर किया कि यह हमारा वॉल ऑफ इमोशन् तो आप बैठे जैसे आपने मेसी प्ले की बात किया वो बच्चा तीन साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वह बहुत अच्छे से एग्रेशन शो करेगा बट ही शुड नो कि दिस इज़ माई सेफ प्लेस टू एक्सप्रेस गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है हमारा बेसिक इमोशन है जो सब में है ठीक है तो आपने क्या किया आपने किसी को येल आउट करने से अच्छा आपने पेंट के थ्रू कर दिया ठीक है अब एक बच्चे को बहुत प्यार आ रहा है अपने अबू पर अपनी अम्मी पे उसने प्यार भरा एक कोई इमोशन बनाया अपनी अम्मी अबू को थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया तो वो आप प्लेस करते जाएं सो दै द चाइल्ड ऑल्सो नो कि ये हमारे इमोशंस हैं मैं जब खुश होता हूँ तो मैं ये मैंने ड्रा किया था जिस दिन मैं दुखी था मैंने ये ड्रॉ किया था मेरा कोई फेवरेट टॉय टूट गया मेरा कोई पैट जो था वो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है तो मैं उसकी एक याद में क्या बनाऊँगा यू नो ग्रीफ मैकेनिज्म के अगर ग्रीफ होता है तो इट्स ओके okay, बोलना इट्स ओके okay, कोई अगर चला जाता है दुनिया से अच्छा पेट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट में hmm. घर में अगर पेट्स होते हैं तो ऑबियसली वो ग्रो कर रहे होते हैं अगर खुदा न खासा वो मर जाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि ये एक है सिस्टम लोग जाते भी हैं जिंदगी से लोग आते जिंदगी से पेट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं तो वो एक तो हमारा ये हो गया कि हम वॉल ऑफ इमोशंस बना सकते हैं दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स यू you नो know, अब जैसे रमजान है तो मैंने आप लोग के एक दफ़ा एक पॉडकास्ट या उसमें एक छोटा सा एक क्लिप देखा था इसमें आप लोग कह रहे थे कि रमज़ान से पहले एक कॉर्नर डेकोरेट करें वो कर लाइक दैट आइडिया कि ये एक आर्ट थेरेपी है ये फैमिली mm. टाइम है कि आप सब बैठे हैं एक साथ आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ें उस पर लगा रहे हैं इवन आप अपना डाइनिंग टेबल जो है उसको डेकोरेट कर सकते हैं ना mm, okay. तो इससे क्या हो रहा है वो, वो जो एक स्किल डेवलपमेंट है कि सिर्फ लड़कियाँ नहीं सर्व करती बेटे भी सर्व कर सकते हैं खाना नंबर थ्री ये हो सकता है कि हम लोग एक अपना हैप्पी कॉर्नर बनाए हैप्पी कॉर्नर में आप वो पिक्चर्स लगाइए जो आपकी हैप्पी मोमेंट्स थे जैसे आप लोग कहीं घूमने गए थे आप आपने एक अच्छे से चाय बैठ के साथ पिया है कोई फैंसी और महंगी चीज़ नहीं लाइक स्मॉल लिटिल हैप्पी थिंग्स जो आप लोग की हैं जैसे दादी के घर जब साथ गए थे तो एक पिक्चर उसकी है तो आपने वो प्लेस कर दिया उस हैप्पी कॉर्नर में में ये मदर्स को भी करेगा आप जब घर में जाते हैं हम लोग पूरे दिन के थके हुए होते हैं ना फादर हो या मदर हो या बच्चे हो तो आप जाते के साथ आपको एक, एक ऐसी वॉल नजर आएगी जहा पे सब स्माइल कर रहे हैं जहाँ पे खुशगवार तस्वीरें लगी हुई हैप्पी मोमेंट्स सारे तो आप भूल जाएंगे आप ना शुक्रिया के बजाय आप शुक्र अदा करेंगे कि कोई बात नहीं होती जस्ट अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ तो हम ये कर सकते हैं इसके अलावा प्ले डेट जैसे हम कहते हैं कि भाई आप गार्डन गए आपने वहाँ पे बच्चे मट्टी से खेल रहे हैं आप उनको छिदवा मना करेंगे वो खेल रहे हैं उनकी एक नीड है या उनको पसंद है तो आप सैन प्ले उनके साथ कर सकते हैं यू नो यूर प्लेइंग विथ सैन आप कोई टॉयज ड लेके चले गए आपने उधर खेल लिया तो प्लेइंग एंड जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्ले थेरेपी आपको आपके बच्चे पर बहुत कुछ बताएगी वो जैसे खेल रहा है वो क्या बना रहा है वो बार बार चीजें क्यों तोड़ रहा है तो आपको आज इसका बिल्कुल और जितनी भी एक्टिविटीज होती, एक exactly. होती है वो इतनी सारी होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है बच्चों में और मैंने जब हमने ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की थी तो मैंने ये बोला था कि आपको पता है कि हम बगैर कुछ कहे भी अपने दिल की बात करें तो इज वॉट वी आर डूइंग एक्चुअली इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो एंड माई प्रोफेशन ऑल्सो अब देखें जैसे एक और मैं आपको एक्टिविटी जल्दी से बता रहा हूँ कि अब लेट सपोज आप एक स्टोरी सुना रही है जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती हैं आपने उसकी एंडिंग नहीं बताई बच्चे को मतलब एक ट्विस्ट पर कहानी रुक गई कि फिर बादशाह आया अब क्या होगा यूल आस चाइल्ड अब वो जो जवाब देता है ना आपको आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि वो किस फेज और किस फ्रेम ऑफ माइंड में अगर वो आपको नेगेटिव जवाब दे कि वो ना फिर खा गया उसे बादशाह hmm. तो आपको समझ आना चाहिए कि ओके यू नो नहीं फिर पता क्या हुआ बादशाह ने उसको बचा लिया था और उसको दिस इज हाउ आई गेट टू नो चिल्ड्रन कुछ लोग एकदम से ले आते हैं कहानी <laughs> में कहीं से भी okay. तो मैं कहता ओके okay, ये है मेरा टारगेट आज का ये बच्चा सो <laughs> <like> <laughs> so, अच्छा दिस नॉट दैट इज नॉट अ बैड थिंग दैट इज हाउ यू नो योर चाइल्ड you know yeah. मेरा बच्चा थोड़ा सा फाइटिंग में ज्यादा है yeah. वो अग्रेशन में ज्यादा है तो आपको पता तो होना अपने बेटे के बारे में अपनी बेटी के बारे में तो स्टोरी टेलिंग ऑल्सो इज अ टूल फोदार अब हॉन वर्बली कैसे बोल सकते हैं एक स्टोरी के ज़रिए मैंने आपको बता दिया कि बच्चा ये नहीं बोल रहा कि माँ मुझे लड़ने का शौक है बच्चा आपको कहानी भी बता रहा है कि मैं ये महसूस हूँ आजकल ये मेरी एक अर्ज है ये यू you नो know, एक तो ये तरीका होगा दूसरा तरीका जो है नॉन वर्बल का वो ये है कि वैन यू पेंट अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दे वॉज ए नॉन वर्बल स्पेशल चाइल्ड तो उनकी एक ड्रॉइंग जो है वो उनकी थेरेपिस में पास लेकर रहे उन्होंने कहा प्लीज़ कैन यू एवेलुएट द ड्रॉइंग तो उसमें जो मैंने मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉइंग एवेलुएट होती हैं

कि हम ये कुदरती तौर पे हम ऐसे एक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि अनकॉन्शियसली exactly. हम वो चीजें बना रहे होते हैं so, खुद नहीं बोला लेकिन उसने एक्सप्रेस की है वो, वो पिलर्स और उसकी दरो दीवार बता रहे है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो चार उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स है लाइफ में वो बोल नहीं पाया कभी पर वो तीन बहनें और उसकी एक अम्मी दे so like, uh, था कि उनकी फैमिली का कुछ सेपरेशन का इशू था तो वो बहुत uh, शेल में चला गया था बच्चा तो हम उसको बाहर निकालना चाहतेट उसने उसको बस बोला कुछ भी ड्रा करें अच्छा अली ये हमने बात की छोटे बच्चों के हवाले से और इस तरह से जब बच्चे टीन एजेस में आते हैं जो एक टीन एज वाला टाइम होता है जिसमे उनकी एक हॉर्मोनल चेंजेस भी आ रही होती है और वो दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करते हैं उनके फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा से सेपरेट हो जाता है वो पेरेंट्स से भी थोड़ा सा टू सम समस्टेंट जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हमने भी किया था और अब हमारी औलाद हमारे साथ वो ही कर रहे हैं ये सलूक <laughs> तो जो है मेरा सवाल ये है कि स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स तो फिर भी जो है वो माओ से थोड़ा क्लोज होती हैं कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें डिस्कस करती हैं बॉयज जो होते हैं ना वो थोड़े साइलेंट मोड पर चले जाते हैं तो उसमें जो है वो बड़ा एक मुझे तो बड़ी होती है कि ये चुप तो है लेकिन इसके दिमाग में होता है कि जब वो खाने की टेबल पर बैठते हैं तो बातचीत हो रही होती है आज क्या किया वैसे तो हमारे वो टिपिकल छह सवाल ये हैं कि हुँ. क्या खाया स्कूल में क्या था हम इमोशंस पे कभी बच्चे की बात नहीं करते जैसे आई एम बॉर्डर्ड कि बच्चा खामोश कु है वो खुश है ये कुछ नहीं कर रहा अच्छी बात है तो दिस इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस ना कि एक बच्चा अगर खामोश है तो क्यों खामोश है दै आर ऑल्सो क्वेश्चन मार्क तो अगर ऐसा माहौल हो घर में कि हर खाने की टेबल पर बात की जाए तो कभी ना कभी ज़रूर वो कोई ऐसा तंजिया जुमला ही कह देगा कि आपको लगेगा अच्छा देखो इसने ऐसा क्यों कहा यकी ना कोई बात है पहले तो ऐसा नहीं करता था ये तो टॉक थेरेपी ऑल्सो वर्कस नंबर टू कि बोर्ड गेम्स जो हमारे होते हैं ना घर yes. में पहले एक दौर था हम लूडो और hmm. कैरम और ये ah. सब होता था तो उसमें ना खेल खेल में भी बातें निकल आ रही होती हैं hmm. एक लड़का गेम गेम में पूरा गेम बिगाड़ देगा hmm. कुछ होते हैं वो वो अपनी हार को एक्सेप्ट ah. नहीं कर पा रहे होते टीन एज में यह ज्यादातर हो रहा होता है लड़ाइया हो रही हैं पर बातें निकल रही हैं बोर्ड गेम्स में अब बैठे हुए सामने तो अबू से भी कोई बेसाफा कोई जुमला बोल दिया तो अबू को लगा अच्छा हाँ इज गोइंग थ्रू समथिंग आपको पता है आप बिल्कुल मेरे सर वाली बात कर रहे हैं सर ने भी मुझे ये कह दिया था ये बात वो अलग से नहीं बोलता लेकिन गेम गेम में वो बात निकल आई

क्योंकि उसी वक्त होता है ना कि hmm. बायो लेनी है या मेडिकल लेना ये hmm. लेना है वो लेना है तो वो जो प्योर प्रेशर है ना वो भी उनको बहुत तंग कर hmm. रहा होता है और और उस एज में हम सबको लगता था हम कुछ नहीं कर सकेंगे हम सबको लगता था यार क्या कर पाएंगे बहुत प्रेशर है तो एक वो चीज़ है तो ऑलवेज टेल यू नो और, okay, you know? और आप यकीन जाने हैं कि मैंने अगर क्लास में पचास बच्चे भी बैठे होते ना तो आपको दूर से नजर आ जाता है वो बच्चा जिसके माँ बाप ने उसको एक कहा हुआ है इट्स ओके कि तुम कुछ भी ले लो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है उसका रवैया ही अलग होता है आपका एक इतना माशाल्लाह से लॉन्ग जर्नी रहा है आर्ट थेरेपी को लेके आपके हुए होंगे बहुत सारे बच्चों के साथ बड़ों के साथ डिफरेंट आपकी जो है वो क्लाइंटेल रही है तो आर्ट थेरेपी ने किस तरह से एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कोई इस तरह की आपकी स्टोरीज़ हों जो होते हैं ना कि हमेशा के लिए माइंड में रह जाती हैं तो ऐसी कोई खास स्टोरी जो साथ शेयर करना आ, देखें जो स्पेशल नीड्स मेरे मेरे जो मतलब जो जो मतलब वो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स में आते हैं तो उनके पेरेंट का ना सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जनरली स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी कि हम एक वक्त तक इनके साथ हैं हर पेरेंट का ये डर होता है कि अभी तो मैं हूँ मैं इनको संभाल रही हूँ मेरे बाद इनका क्या, में हर पेरेंट मुझसे ये बात कर रहा होता है तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से किसी भी लेवल से वो स्टेबल हो जाए और फाइनेंस में आ जाएं कि इतना कुछ कर लें कि अपना ख़र्चा या यू you नो know, आगे हर माँ बाप ये सोचता है मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए तो uh, मेरे पास कुछ स्टोरीज इस हवाले से हैं जो मैं ये बताना चाहूँगा कि सो uh, so, मेरे पास एक ऑटिस्टिक क्लाइंट uh, uh, रहे मेरे पास सो ही वॉज़ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज हैविंग एग्रेशन इशूज़ तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और जैसे जैसे एज बढ़ रही थी तो uh, वो एग्रेशन भी बढ़ता जा रहा था तो फिर हमने ये किया कि हम उनको पेंटिंग और ड्राइंग की तरफ तो ला रहे थे बट ही वॉज अगेन अ बॉय एंड ही वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड तो हम मैंने टाई डाई एक्टिविटी उनके साथ शुरू की अगर आप पता वो पता हो एंड डाई में क्या होता है सो so, हमने बेसिकली टाई एंड डाई के साथ शुरू में जैसे मैंने आपको बताया मैं वो एक्टिविटी कर रहा होता था रूम में वो ऑब्जर्व कर रहे होते थे करते करते एंड uh, उनको थोड़ा सा शौक था फ़ोटोग्राफ़ी का उस बच्चे में ये सेंस था कि मैं तस्वीर खींच रही है तो थोड़े से पोजेज़ अच्छे कर लेगा ये कर लेगा तो हम मदर ने उनकी मुझे बोला कि आकाश ऐसा हो जाए कि अगर ये थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ ऐसा चले जो कि हमारे माशा में नामुमकिन ही था सो सर ओके तो हम ट्राई करते हैं तो मैंने ये सोचा कि अगर इसका अपना ब्रांड होगा तो हमें किसी से बोलना नहीं पड़ेगा मॉडलिंग के लिए अपनी शर्ट्स हैं वो ख़ुद मॉडल कर सकते हैं तो हमने दो चीज़ें शुरू करी हमने उस बच्चे को टाईडाई कराना शुरू करा और उसी कपड़े को पहना के मॉडलिंग शुरू करी वाह wow. तो इट वॉज मतलब नियर टू इम्पॉसिबल कि अगर आपने देखा हो कि ऑटिज्म में या एग्रेशन वगैरह में आ, पोज में तो दूर की बात है हाइपर एक्टिव इतने होते हैं कि वो एक जगह स्टिल नहीं हो सकते और जो इतनी लाइट्स और जिस इन्वायरमेंट में हम हैं वो उनको बड़ा बॉदर करती है कि अगर आप किसी को पाँच मिनट भी ऐसे देख रहे हैं तो उनको बॉडर के होते हैं मुझे क्यों बार बार देख रहे हैं अब एक कैमरा मैन आपके सामने ही yeah. है बट ड्यू टू प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस कर करके ट्वाइस अ वीक करते करते अब ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्टिक मॉडल माशा तो वो एक huge. दिन आया कि एक ब्रांड के लिए अपने ब्रांड के अलावा उन्होंने एक ब्रांड के लिए जाके फो, फोटो शूट किया और वो तस्वीर मैंने अपने हैप्पी कॉर्नर में लगाई हुई है दैट्स माय हैप्पी प्लेस के भाई ये मेरे मुझे लगता है वेरी प्राउड ऑफ दैट कि एक बच्चे ने अपने आप को प्रूफ किया यू डिजर्व क्रेडिट फॉर दिस बिकॉज मेरा अपना बहुत एक्सपीरियंस है हमारे हेल्थ सिस्टम का एक तो आई हैव फॉर इट एंड प्लस आई नो कि हमारे हाँ स्पेशल नीड्स के लिए भी उस तरह से एफर्ट नहीं की जा रही और हमारे पास इतनी अच्छी थेरेपीज भी नहीं है मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिव अप कर देता है हमारे यहाँ स्पेशल नीड्स के बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको अब आप बंद करके रखें कमरे के अंदर ये ना बाहर आ सकते ना इनका कोई ट्रीटमेंट है ये अब सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है इस इन्वायरमेंट में

आर्ट थेरेपी आर्ट एक्टिविटीज़ एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है बच्चों की इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ होता है जब आर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बच्चे लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप उनके साथ मिल कर रहे होते हैं दैट इज़ बॉन्डिंग यू आर बॉन्डिंग विद योर किड इज़ इन एट अमेजिंग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी और हमारी भी बॉन्डिंग हो रही होती है तो इसी बॉन्डिंग को हम बरकरार रखेंगे और इस बॉन्डिंग को बरकरार रखने के लिए अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप पुराने हैं और हमारी पॉडकास्ट को फॉलो करते आ रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे इन शाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़